नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लिस्ट होने के बाद टेम्पोरली एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया था एंड प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था नियरली 4350 के आसपास एंड बॉटम फॉर्मेशन किया था 850 के आसपास। उसके बाद देखिए, प्राइस जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट किया है, प्राइस को वहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। इसका मीनिंग है कि जो रेड लाइन था ना, स्टॉक का प्राइस के लिए था एक मेजर रेजिस्टेंस, जिसको आज फाइनली प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है। अगर आप यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर देखेंगे, प्राइस के लिए देखें जो मेजर रेजिस्टेंस था ये रेड लाइन, उस लेवल के आसपास प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के साथ देखिए, प्राइस मेजर रेजिस्टेंस जो रेड लाइन था उसी लेवल को यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है एंड जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड उसी डाउन ट्रेंड को प्राइस अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि कंटिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा नियरली ये जो स्विंग लो था ना, जो कि 3300, इस लेवल को प्राइस अभी जाकर टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाई है। 3300 को पहले टेस्ट करेगा एंड इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जाकर लाइफ हाई को टेस्ट करेगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है वो बनेगा स्टॉप लॉस, जो कि बन रहा है 1770। तो इस स्विंग लो के नीचे रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस या एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं एंड जिस टाइप का आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेक किया है, कंटिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट आ सकता है। बस एग्जिट पॉइंट डिसाइड कीजिएगा बिलो 1770 के नीचे, नहीं तो आपका रिस्क के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट का ग्रोथ लगभग फ्लैट है। अगर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए, प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 58% के आसपास, FI के पास माल है 3.59%, DI होल्ड कर रहे हैं 25.23% और DI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं एंड पब्लिक के पास है ओनली 13%, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में रिटेल होल्डिंग बिलो 20% आप उसको मैनेजेबल कंसिडर कर सकते हैं एंड हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप डिटेल एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।